खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। पठारी सामाजिक संस्था मानव अधिकार संरक्षण परिषद मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बोहत ने कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुरवाई और पठारी में कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का घर घर पहुंचकर सम्मान किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बोहत ने प्रतिभाशाली छात्र विद्यार्थियों को शॉल श्रीफल और प्रमाण पत्र भेंट करके सम्मान किया। इस दौरान कुरवाई और पठारी क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया गया है। शेष विद्यार्थियों का सम्मान के लिए प्रदेश अध्यक्ष के साथ सदस्य घर घर गांव गांव पहुंच रहे हैं। सम्मान से सुधरेगा शैक्षणिक स्तर। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बोहत का कहना है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के घर घर जाकर सम्मान करने का मुख्य मकसद विद्यार्थियों और परिजनों को प्रोत्साहित करना है। यह सम्मान विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों, परिजनों और गुरुजनों का भी किया जा रहा है। इस पहल से आस पड़ोस और क्षेत्र के बच्चों में एक सकारात्मक संदेश जा रहा है, जिससे दूसरे बच्चे, अभिभावक और गुरुजन प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर पठारी क्षेत्र में मेघावी छात्र जो हमारे हैं, जो 10वीं 12वीं बोर्ड में पास हुए हैं, अच्छे अंकों से प्राप्त हुए पास हुए हैं, जो मध्य प्रदेश में संभाग में और जिला स्तर पर टॉप किया है, उन बच्चों को घर घर जाकर मानव अधिकार संरक्षण परिषद की ओर से सम्मानित करने हम लोग पहुंचे हैं, हमारे साथी पहुंचे हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारे पठारी क्षेत्र के जो बच्चे टॉप पे आए हैं, वो हमारी पठारी के और भी आगे नाम रोशन करें। ये हमारी इस वर्ष से शुरुआत यहाँ हुई है घर घर जाने की। इसके बाद हर साल हम घर घर जाके हर बच्चों को सम्मानित करने का प्रयास करेंगे, जिनका भविष्य में सकारात्मक और सार्थक परिणाम नजर आएंगे। यह अभियान निरंतर चलता रहेगा, जिससे क्षेत्र का शैक्षणिक स्तर उत्कृष्ट होगा। इनका किया सम्मान। इस अभियान में मयंक शर्मा, प्रशांत साहू, दीपेश पंथी, यशराज सोनी, जतिन कुशवाहा, अंशुल साहू, राजा बाबू गौर, सौरभ कुमार कुशवाहा, राज ठाकुर, अनिमेश विश्वकर्मा, फरहान खान सहित आधा सैकड़ा विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। यह पहला मौका है जब प्रतिभाशाली छात्रों को घर घर जाकर सम्मानित किया जा रहा है। मानव अधिकार संरक्षण परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष सुभाष बोहत जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा जो आज पहल की गई है प्रतिभावान छात्रों के घर घर जाकर उनका सम्मान करने की, इससे छात्रों को बहुत ही संबल मिला है और परिवारों में हर्ष का विषय बना हुआ है। सभी जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि पहली बार किसी प्रतिनिधि ने आकर प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया, उनका हौसला बढ़ाया। इससे आने वाले छात्रों की भी हौसला अफजाई हुई है और वो भी अच्छी लगन से पढ़ेंगे और आगे चल के तरक्की करेंगे। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के इस हौसला अफजाई के लिए माननीय श्री बोहत जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। खबर समय जगत के लिए जिला विदिशा, तहसील पठारी से नेत्राम साहू की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज़।